हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी पीएसएल निवेशकों का एजेंटों का हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लेकर के आए हैं जिसका आपको पिछले 4 सालों से इंतजार था। 2016 के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब से आप इंतजार कर रहे हो कि आखिर हमारे पीएसएल का पैसा कब तक मिलेगा। अब वो घड़ी आ चुकी है। अभी तक मात्र 2500 रुपये का पैसा मिलना शुरू हुआ था जो आप लोगों के अकाउंट में पहुंच चुका है, और अब आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि अब आपको इस महीने के आखिर यानी कि अक्टूबर 2018 के आखिर तक एक और एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ेगी। वो होगी 10 से 15 हज़ार रुपये के रिफंड की। 10 से 15 हज़ार रुपये अब आपके इस महीने से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और आपका पीएसएल का पैसा रिफंड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी 20 से 25 हज़ार रुपये तक की, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी 50 हज़ार रुपये तक की। जिस निवेशक के 50 हज़ार रुपये तक इस पीएसएल कंपनी में है उनका 3 से 4 महीने के अंदर 50 हज़ार रुपये तक की एप्लीकेशन अब अपलोडेड होने वाली है, एप्लीकेशन भरी जानी है। आप लोग अपने दस्तावेजों को संभाल करके रखिएगा। मैं ये आपको वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। बात हुई है गुजरात के सेबी के ऑफिस में, जहाँ पर पीएसएल के एम्प्लॉइज ने जवाब दिया है हमारी बातों का। मैं आपको बात सुनाने वाला हूँ कॉल सेंटर की, जो सेबी पीएसएल के ऑफिस से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 साल के अंदर सभी पीएसएल के निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, मगर धीरे धीरे करके मिलेगा। अब अक्टूबर के आखिर तक 10 से 15 हज़ार रुपये तक की स्टार्टिंग होगी, उसके बाद 20 से 25, उसके बाद 50 हज़ार तक की स्टार्टिंग होगी। 50 हज़ार तक का आवेदन 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा और आपका पैसा रिफंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सब लोगों की मेहनत का फल है। जो संगठन लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं, जो संगठन बार बार पीएसएल के धरना देते हैं निवेशकों के लिए, पीड़ित एजेंटों के लिए, जिन एजेंटों का जीना मुश्किल हो गया था, पीएसएल के निवेशक परेशान कर रहे थे, अब कृपया करके एजेंटों को परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों का सभी पैसा मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सभी पीएसएल निवेशकों तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा, गुजरात के आपको ऑफिस के जो बात हुई है पीएसएल पीड़ित एजेंट की, वो ऑडियो सुनाऊंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वीडियो के एक लाल रंग का बटन है उसे दबा दीजिए, इस तरह का लाल रंग का बटन है, और बराबर में एक घंटे का इस तरह का आपको बटन दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी वीडियो अपलोडेड होगी वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी सब्सक्राइब करने के बाद, और जो बिल्कुल फ्री है आपको सूचना मिल जाएगी और आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और पीएसएल की न्यूज़ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। और वीडियो के नीचे एक थम्स का इस तरह का निशान होगा, ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी, आप उसे भी दबा दीजिए, इससे हमारी वीडियो लाइक हो जाएगी और वीडियो जल्दी रिकमेंडेड में आएगी और बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगी और हमारी हौसला अफजाई होगी, जिससे कि हम पीएसएल की और बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आप लोगों तक आए। तो आइए देख लेते हैं गुजरात की ये ऑडियो, जो एक पीएसएल पीड़ित से बात हुई है, उसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब है, जो आप लोग हमसे कमेंट्स किया करते थे कि सर आखिर पैसा कब तक मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं इस ऑडियो को। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। मेरे को पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जानना है, पेमेंट के बारे में। पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानना है। कितना अमाउंट है आपका? हमारा अमाउंट तो लगभग 25-30 लाख रुपया है। देखिए, तो अगर टोटल अमाउंट एक होल्डर के नाम का इतना होगा तो वक्त लगेगा सर, फिलहाल तो 2500 का ही चल रहा है। हाँ, फिलहाल सिर्फ 2500 का रिफंड चल रहा है,
ठीक है, आपका यदि 30 या 40 लाख रुपए है तो बहुत वक्त लगेगा, वेट करना पड़ेगा। कितना? और अमाउंट बढ़ाकर कितना, 100 साल लगेगा, एक साल निकल जाएगा। हाँ, एक साल निकल जाएगा अभी। हाँ, 30 से 40 लाख अगर एक ही बंदे का, एक ही पर्सन के नाम का है, नहीं, तो नहीं। फिर वक्त लगेगा। अगर हाँ आप एजेंट हो और आपके अंडर में बहुत सारे बंदे हैं और सबका टोटल आप बोल रहे हो तो वो मत बोलिए, पर पर्सन कितना अमाउंट है उससे डिपेंड करता। मेरे पास, मैं पीएसएल का एजेंट हूँ बराबर, और मेरे लगभग 50-60 कस्टमर है, उसका कुल मिला के मेरा होता है, सबका मिला के होता है 15 लाख रुपया होता है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, सबका मिला के आप मत बोलो। अभी देखिए, जो 2,500 का रिफंड चल रहा है वो पर पर्सन का चल रहा है, कि एक इन्वेस्टर को जिन्होंने जितना भी निवेश किया है अमाउंट टोटल इतना हो रहा हो, 2,500 से कम या 2,500 तक का। अभी ये महीने के एंड डेट में नया इन्फॉर्मेशन रिलीज होगा कि 2,500 से अभी कितना राशि बढ़ाया है और कितना टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन चालू किया हुआ है, उस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। अगर आपका कोई है इन्वेस्टर ऐसा कि जिसका 10,000 या 15,000 तक का है, तो उनका कवर हो जाएगा सेकेंड टर्म में, फिर उससे राशि बढ़ाएंगे 15 से 20 या 25 हजार, तो उनका कवर हो जाएगा, फिर 25 से 30, 35, 50, ऐसे धीरे धीरे रेशियो बढ़ेगा। तो जो जो इन्वेस्टर का अमाउंट वो रेशियो में कवर होता है, उनको उस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाना है, समझ रहे हो ना आप? सबका एक साल में मिल जाएगा? हाँ, हो जाएगा, एक साल में मिल जाएगा। हाँ, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे मिलेगा। मैंने एक साल इसीलिए बोला आपको क्योंकि आपने क्या बोला कि आपका अकेले का ही 12 से 15 लाख का है, तो फिर वक्त लगेगा। मैं पीएसएल का एजेंट हूँ, मेरे कस्टमर 40-50 कस्टमर है, उसका मिला तो 15 लाख रुपया। आप टोटल का बोल रहे हैं, टोटल का नहीं? हाँ, तो फिर अगर आप सोचो, अगर आपके 40-50 इन्वेस्टर में से एक बंदा है जिसका 8,000 या 9,000 का है, उनका तो सेकेंड, हाँ, तो उनका तो सेकेंड टाइम में ही नंबर आ जाएगा। किसी का 50,000 होगा तो उनका 2-3 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद नंबर आएगा। जैसे जैसे जितना राशि बढ़ा उतना वक्त ज्यादा लगेगा, ठीक है? एक साल में सबका पैसा मिल जाएगा? सबको ब्याज के साथ पैसा मिल जाएगा। मैच्योरिटी अगर खत्म हो चुका है, पक चुका है पैसा, तो ब्याज के साथ मिलेगा। ओके, ओके, ठीक है। देखते हैं, अभी 4 साल तो हो गए, अभी 1 साल बोलते हैं, देखते उसका भी वेटिंग करते। 4 साल मिल जाएगा? नहीं सर, मिल जाएगा। 4 साल से चार साल हो गया। सही बात है सर, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास है ये सब अथॉरिटी और गवर्नमेंट आपको पेमेंट दे रही है, और इनफेक्ट चालू भी हो चुका है। वो बात तो सही है, इन्वेस्टरों को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने चालू हो चुके हैं। वो बात मैं समझता हूँ, जो इन्वेस्टर, जो कस्टमर है, वो ग्राहक थोड़ा समझता है। नहीं, वो सही बात है, लेकिन आपको फिर वो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। उसको समझा तो भी वो गाली बोलते हैं। वो है सर, अभी दिक्कत है, क्या करें हम भी, हमारे अंडर में जितना आता है हम कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं, वेट करते हैं। आने वाला 2019 का इलेक्शन पूरे निवेशक और अभिकर्ता पूरे झारखंड जिले से, पहले हमारा जब तक होगा नहीं भुगतान, तब तक हम कोई भी निवेशक और एजेंट और उसके परिवार नहीं करेंगे मतदान, नहीं करेंगे मतदान, नहीं करेंगे मतदान, और इसके बाद उग्र आंदोलन छेड़ी जाएगी। पहले निवेशकों का करो भुगतान, पहले निवेशकों का करो भुगतान।